हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं लीगर मूवी जो कि विजय देवराकोंडा के कैरियर की वो पहली मूवी है जिसे हिंदी डब्ड में भी रिलीज किया जाएगा और ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है। और इस मूवी की पॉपुलैरिटी इसलिए भी ज़्यादा है कि विजय देवराकोंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक के बाद एक मूवी ब्लॉकबस्टर दी। उनकी पिछले कुछ सालों में कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई, इवन के उनकी मूवी का जब बॉलीवुड में रीमेक किया गया वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। तो लीगर मूवी जो के उनके कैरियर की पैन इंडिया रिलीज होने वाली मूवी है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर की गई है कि इस मूवी को थिएटर्स पर नहीं बल्कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करें। लेकिन क्या ये मूवी थिएटर्स पर आएगी या के ऑनलाइन रिलीज की जाएगी, किस जैनर की ये मूवी है, लीड लेडी कौन है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में है। तो लास्ट तक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को जिसमें हम बहुत सारी अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें लीगर मूवी जो एक रोमांटिक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, इसमें आपको सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही कुछ रोमांटिक सीन्स भी रहेंगे और एक स्पोर्ट्स प्लेयर के रोल में होंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय देवराकोंडा। जबकि बॉलीवुड से कास्ट किया गया है उनका साथ देने के लिए अनन्या पांडे को, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज टाइगर श्रॉफ के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी से किया था और अब वो काम करने जा रही हैं विजय देवराकोंडा के साथ। इसके अलावा राम्या कृष्णा को भी कास्ट किया गया है और रोनित रॉय भी मूवी की कास्ट का हिस्सा है। प्रोडक्शन बैनर की बात की जाए तो करण जौहर इस मूवी पर पैसा खर्च कर रहे हैं और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस मूवी को बनाया जा रहा है और इसकी टीम ने ऑफिशियली तौर पर इस मूवी के पोस्टर्स लॉन्च करते हुए इस मूवी की रिलीज डेट 9 सितंबर 2021 अनाउंस की थी। जबकि मानी शर्मा और तानिश बागची ने इस मूवी का म्यूजिक दिया है और डायरेक्शन की तरफ आया जाए तो पूरी जगन्नाथ इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं कि कितने करोड़ की ऑफर हुई है इस मूवी को, लेकिन उससे पहले आपको बजट के बारे में जानकारी देते चले कि लीगर मूवी को लगभग 60 से 70 करोड़ के बजट पर बनाया गया है। जबकि एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस मूवी को 200 करोड़ की एक बड़ी रकम ऑफर की है कि वो अपनी मूवी को थिएटर्स की बजाय पहले ओटीटी रिलीज करें और ओटीटी रिलीज करने के बाद ही थिएटर्स पर लेकर आए। लेकिन इस मूवी की टीम ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि हम इससे ज्यादा थिएटर्स पर आकर कमा सकते हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस मूवी की टीम अपनी मूवी के जैनर को लेकर, अपनी मूवी की कास्ट को लेकर और अपनी मूवी की डायरेक्शन को लेकर कि ये मूवी जब थिएटर्स पर आएगी तो डेफिनेटली तहलका मचाएगी और 200 करोड़ से ऊपर की कमाई करेगी। इसका बिजनेस 200 करोड़ से ऊपर डेफिनेटली जाएगा क्योंकि राइट्स बेचकर और बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके लीगर मूवी एक बहुत अच्छा डेब्यू बनेगी विजय देवराकोंडा का हिंदी डब में। इससे पहले उनकी मूवीज को पहले तेलुगु तमिल में रिलीज किया जाता रहा है और उसके बाद YouTube पर हिंदी डब में रिलीज किया गया है, लेकिन अब की बार एक साथ 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी लीगर मूवी। तो इससे एक बात साफ हो चुकी है कि लीगर मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स पर आएगी और तहलका मचाएगी और अगस्त के मंथ में इस मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च किया जाना है। लेकिन अब देखते हैं क्या इसकी टीम इसके प्रोडक्शन के काम को देखते हुए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको इस मूवी का कितना इंतजार है और क्या आप भी विजय देवराकोंडा की इस मूवी के हिंदी डब के इंतजार में है, तो अपना कमेंट पोस्ट करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए मूवी कॉर्नर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।